दोस्तों महेश्वरी रसोई में आज बनने वाली है विंटर स्पेशल एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। ये जो आप रेसिपी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही खस्ता है। आप इसे हार्डली 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि आपको स्टफिंग का चक्कर नहीं है, लेकिन फ्रंट टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बहुत ही मज़ेदार पराठे को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप जितना बाजरे का आटा, क्योंकि विंटर के लिए बाजरे का आटा बहुत ही परफेक्ट होता है। और उसके साथ ही लिया है 1 कप जितना मक्के का आटा, आधा कप लेंगे हम नॉर्मल गेहूं का आटा। और आटे की क्वालिटी को और भी बढ़िया करने के लिए मैंने ले लिया है आधा कप जितना बेसन। फ्रेंड्स, इन चारों आटों को मिला के बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई आटा नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल दिया, और 1/4 टीस्पून डालना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्ची डाल दिया, और इन सबको अच्छे से एक बार आप मिक्स कर लें। और या आप ये काम और कर सकते हैं, इन्हें चलनी में छानकर इस तरीके से डालें जो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैंने ले लिया एक मिक्सी का जार, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 6-7 कलियां लहसुन की जिसे अच्छे से साफ कर लिया है, 2 हरी मिर्चें, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे से क्रश कर लिया। उसके बाद आप एक काम और करें, इसमें से आधा जो मिश्रण है इसे निकाल कर अलग कर लें, और आधे को इसी में रहने दें, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 कप जितना हरा मटर। और मटर के साथ बनने वाला ये नाश्ता बहुत ही अमेजिंग बनेगा। मटर को एकदम मैंने बारीक सा पीस कर पेस्ट जैसा बना लिया है, और उसके बाद मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिससे मुझे आगे का काम करने में आसानी रहेगी। मटर को उसमें डाल दिया, और उसके साथ ही मैंने ले लिया है ये 6-7 छोटे साइज़ के आलू। अगर आपके पास जो आलू हैं बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 ही आलू लें। और आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे, और इसके लिए आप चाहें तो मोटा कद्दूकस ले सकते हैं या बारीक ले सकते हैं, बस आलूओं को इसके लिए आप फोड़ कर तैयार ना करें, वरना फ्रेंड्स उसमें चंक्स रह जाएंगे। और ये लीजिए, दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमने वो जो आटा तैयार किया था वो आटा इसमें मिक्स कर देंगे, और उसके साथ ही मैंने ले लिया है एक बड़े साइज का प्याज जिसे एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मिक्स कर दिया। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं या लहसुन नहीं खाते हैं तो चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप जितना फ्रेश दही। इसमें फ्रेंड्स आपको पानी नहीं लेना है। अगर आपके पास दही नहीं है या आप दही नहीं डालना चाहते तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 टीस्पून जितना नॉर्मल कुकिंग ऑयल। और इसका जो आपको फ्रेंड्स आटा लगाना है ना, वो थोड़ा सा हार्ड लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका आटा ना लगाएं। और आटा जब लग के तैयार हो जाए आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लें और इस पर अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लें। इसके बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 15 मिनट के लिए आटा आपको टाइट लगाना है, और बहुत ज़्यादा इसे रेस्ट पर नहीं रखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, वरना ये आटा बहुत ज़्यादा गीला सा हो जाता है। तो ये लीजिए, आटा जितना हमारा रेस्ट होता है उतना ही हम इसके साथ खाने के लिए मटर आलू की एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनाएंगे। तो उसके लिए गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी, और उसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल, ऑयल गर्म हुआ, 1 पिंच जितनी हींग डाल दी, और उसके साथ ही डाल दिया 1/2 चम्मच जितना जीरा, और वो जो हमने लहसुन वगैरह अलग करके रखे थे ना अब वो भी डाल देते हैं। और सब चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं जिससे लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा। और उसके बाद लिया 1 छोटे साइज का प्याज, और फ्रेंड्स अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज के बनाइए, क्योंकि जब प्याज नहीं खाते हैं तो डालेंगे ही नहीं। और प्याज को भी अच्छे से भून लिया, और उसके बाद मैंने ले लिए 2 टमाटर जिसको चॉपर में डालकर अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है, आप मिक्सी में डालकर भी चला सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बनाने में तो काफ़ी आसान है, लेकिन छोटे छोटे से स्टेप हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ले ली है मैंने लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, और ये गया फ्रेंड्स 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला। अब मसालों के साथ में टमाटर को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो जाए। और अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं करीब 3 से 4 मिनट तक भुना, और ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, यानी मसाला परफेक्ट तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कप जितने हरी मटर के दाने। इसके लिए बस आप मटर को छीलिए, मटर तैयार है, अलग से ना भूनने की ज़रूरत है ना उबालने की ज़रूरत है,
बस एक से डेढ़ मिनट में आप देखेंगे मटर परफेक्ट पककर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हम इसमें पानी डाल देंगे, और पानी के बाद मैंने ले लिया है दो बड़े साइज के आलू, जिसे बस रफली साइज तरीके से तोड़ के तैयार कर लिया है। और ये मान के चलिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सब्जी तैयार है, लेकिन इसका जो आपको टेस्ट मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाल दें, जितना भी आप पतला या गाढ़ा सब्जी को खाना पसंद करते हैं। और ये गई कसूरी मेथी, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और उसके बाद बारी है फ्रेंड्स इसे ढककर पकाने की, जिससे मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और सारे टेस्ट आपस में कम्बाइंड हो जाएंगे। लेकिन इस सब्जी को आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ना पकाएं, ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स जब आप इस सब्जी को पका लेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है और इसका उतना बढ़िया फ्लेवर नहीं आता है। तो बस 3 से 4 मिनट आप कवर करके पकाएं, और 3-4 मिनट बाद इसमें डाल दें ज़रूरत के हिसाब से हरा धनिया, जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और ये गया 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार है। अब जो हमारा आटा तैयार रखा था उसे देख लेते हैं उसका क्या हाल है। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया, और मैंने कहा था ना अब एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमने डो थोड़ा सा हार्ड लगाया था। अगर आपने सॉफ्ट डो लगाया होता तो डो काफ़ी गीला हो जाता और मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती। तो नॉर्मल पराठे से थोड़े से बड़े बड़े पेड़े तैयार किए, उसके बाद काउंटर टॉप को अच्छे से आटे डाल के डस्ट कर लिया। और इसके लिए आपको बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आप इसे बड़ा कर लीजिए। बहुत ही इजी तरीका है, आराम से आपसे मैनेज हो जाएगा। और ये देखिए परफेक्ट हमारा ये जो पराठा था बनकर तैयार हो गया है। थिकनेस आपको रखनी है नॉर्मल पराठे से थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे भरवा पराठा रखते हैं ना उससे थोड़ी सी कम, और नॉर्मल पराठे से थोड़ी सी ज़्यादा। और बस उसके बाद गैस ऑन करी, तवा रखा, तवे को कर लिया मीडियम गर्म, अच्छे से ग्रीस किया। और ग्रीस करना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पहला पराठा उतना बढ़िया नहीं आता। और जैसे ही तवा बढ़िया सा गर्म हुआ हमने उसके ऊपर ये पराठा प्लेस कर दिया। फ्रेंड्स इस पराठे को जो सेकने का तरीका है थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको जो टेस्ट मिलेगा ना वो काफ़ी अलग मिलेगा। जैसे ही एक तरफ से हल्का सा ड्राई हुआ टर्न कर दिया, और अब बारी है फ्रेंड्स ऑयलिंग करने की। नॉर्मल पराठे को जब हम सेकते हैं उसे सेकने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसे सेकने में फ्रेंड्स आपको 2 से 2.5 मिनट का समय लग जाएगा। फ्लेम को रखना होगा आपको मीडियम से लो के बीच में, और अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरीके से आप पराठे को सेक कर तैयार कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स कुछ अलग तरीके से पर बहुत ही टेस्टी पराठा तैयार हो गया है। दूसरा भी सेक लेते हैं। जब आप इसे टर्न करें हाथ से थोड़ा सा सपोर्ट दे लें, क्योंकि फ्रेंड्स मल्टीग्रेन आटा है, हो सकता है ब्रेक हो जाए। और अब ये देखिए फ्रेंड्स प्लेटिंग की बारी आ गई है। और ये देखिए मज़ेदार सब्जी, और साथ ही देखिए हरे धनिया की तीखी चटनी, ये रखा बूंदी का रायता, अगर आपको फ्रेश दही पसंद है वो रख सकते हैं, कचूमर रखा, और ये रखे अपने बहुत ही मज़ेदार पराठे। फ्रेंड्स ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, और आपको मैं दिखाती हूँ खस्ता कितने हैं। हमने इन्हें सेकने के लिए ऑयल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मॉइन भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी हैं। और इस सब्जी के साथ, चटनी के साथ और रायते के साथ तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ट्राई एंड टेस्टेड रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि टेस्टी बहुत ही शानदार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपने प्यार प्यार से कमेंट जरूर करें, और साथ ही फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें, जिससे वो भी विंटर में इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें,